और अब आपको ले चलते हैं शिरडी के साईं धाम, जहां बसते हैं शिरडी वाले सबके साईं बाबा। साईं बाबा पर भक्तों की आस्था सदियों पुरानी है। कहते हैं कि साईं बाबा के दरबार में जो जाता है साईं उसकी छोली भर देते हैं। बिल्कुल, और साईं का दिल जीतना बहुत ही आसान है। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद हाथ फैलाने वाले भक्त भी दरिया दिली दिखाते हैं। साईं जितना साईं से मिलता है वो उसी को साईं सबकी छोली भरते हैं। कोई यहाँ से नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। मैनु रख चरणा दे कोल शिरडी वालिया, मैनु रख चरणा दे कोल शिरडी वालिया। कुछ भक्त अपनी आस्था को सोने में ढालकर साईं के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो कुछ दान पेटी में उसे अर्पित कर देते हैं। शिरडी वालिया, ऐसे ही भक्त ने साईं के चरणों में चढ़ाया है सोने का मुकुट। साईं बाबा के दरबार में बेंगलुरु से आई एक भक्त ने बाबा को ऐसा मुकुट अर्पण किया है जो खालिस सोने से बना है। 980 ग्राम के खालिस सोने से बने इस मुकुट की कीमत 46,70,000 रुपए है। ऐसी आस हुई थी मन में और डिजाइनिंग मैंने किया था, और जब हम गोल्ड मेल्ट कर रहे थे तब वो गोल्ड जब हम मेल्ट कर रहे थे वो आकार मुकुट के आकार में आया है, तो इसलिए वो बहुत खुशी की बात है। मैनु रख चरणा दे कोल शिरडी वालिया। साईं बाबा की लीला अपरंपार है, तो बाबा के भक्तों का अंदाज भी निराला है। शिरडी का साईं मंदिर देश के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहां भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। हर साल करोड़ों लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए साईं धाम पहुँचते हैं। मंदिर रिकॉर्ड्स के अनुसार हर साल मंदिर को करीब 360 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2020 में 32 करोड़ रुपए का सोना बतौर चढ़ावा आया था। इतना ही नहीं, कोरोना काल के बाद जब साईं मंदिर के कपाट 7 अक्टूबर 2021 तक खोले गए तो दरबार में सिर्फ भक्तों की भीड़ नहीं थी, बल्कि 7 अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक भक्तों ने 260 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया। साथ ही 17 किलो सोना और 195 किलो चांदी का चढ़ावा भी दिया। साईं बाबा पर भक्तों की अगाध श्रद्धा है, तो साईं भी भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। साईं अपने भक्तों की हर मुराद हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो भक्त भी दिल खोल कर बाबा को अर्पण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिरडी वालिया।